गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं लोकस ऑफ पॉइंट। और हर एक वीडियो लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बुक के अंदर अवेलेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आई एम डॉक्टर कौशल भावसार एंड I am going to teach you the problems and how to solve those problems in engineering graphics. So, we are working on the problem number 11 from chapter 1 of Shasar's book, which is a locus of point. And the problem statement is OBA is a simple slider crank chain. OB is a crank of 30 mm length. Slider A is sliding on a straight path passing through point O, which is the point of rotation for the crank. Draw the locus of the midpoint of the connecting rod AB for one complete revolution of the crank OB. जब हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं तब हमें ध्यान में रखना होता है कि प्रॉब्लम के अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और उसे कैसे ऑब्जर्व करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग। पहले बेसिक्स देख लेते हैं। OBA इज अ सिंपल स्लाइडर क्रैंक चेन। So this is going to be the point O. OB is a crank. यह है OB, जिसे बोल रहे हैं हम crank, जिसका साइज है 30 and all dimensions are in mm, 30 mm. A slider A is sliding on a straight path passing through point O. O से पास होता हुआ एक पाथ है जिसके ऊपर कोई स्लाइडर B स्लाइड कर रहा है और ये जो BA है वो है कनेक्टिंग रॉड, जिसका खुद का डायमेंशन दिया गया है 100 mm. तो बी ए जो है वो खुद है 100 mm। अब ये जो क्रैंक है उसका काम होता है टू रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस, माने ओ पोजीशन से बी को दिखाया जाए तो ये OB का क्रैंक का एक पोजीशन है। अगर बी O के साथ O को पोजीशन में रख के रिवॉल्व क्रैंक इज रिवॉल्विंग तो वो कौन से पोजीशन गेन कर सकता है। दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पोजीशन। वैसे ही क्रैंक यहाँ चला जाएगा तो ये एक पोजीशन रहेगा, यहाँ चला जाएगा तो ये एक पोजीशन रहेगा, यहाँ चला जाएगा तो ये एक पोजीशन। बट ड्यूरिंग गेनिंग दिस पोजीशंस वेदर द डायमेंशन of OB changes or not, it is not changing. So OB is going to have a constant length. और अगर मैं इन सारे B positions का locus identify करता हूँ तो that is going to be a circle. और जब जब ये position change होता है तब तब connecting rod A को push या pull करता है तो A के भी different positions मिलने वाले हैं। So what is our task? Our task is to trace the positions out of the positions of crank. हमें connecting rod BA का midpoint है M, which is 50 mm from B, उसका locus find करना है। ऐसा कोई target हम लेके चलते हैं। So what is our task? Following this slider crank mechanism, we need to go on identify the locus of midpoint of the connecting rod. अब हम लोग ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं।
I'll be drawing an axis for placement of components. उस एक्सिस पे यहाँ पे कोई एक पोजीशन O मेंशन कर देता हूँ एंड बीइंग परपेंडिकुलर टू दैट आई एम ड्राफ्टिंग अनदर पोजीशंस टू प्लेस द क्रैंक. क्रैंक का डायमेंशन है 30 mm, सो आई विल बी टेकिंग 30 mm ओवर हियर. ये है पोजीशन B, कोई भी B. अब मैं क्रैंक का लोकस ड्रॉ कर रहा हूँ. फॉलोइंग फ्रॉम द ओ टू बी आई नीड टू ड्राफ्ट अ लोकस विच इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पोजिशंस ऑफ बी. तो ये रहा लोकस. अब यहाँ पे हम 12 पोजीशंस में डिवाइड करते हैं. सो दिस आर गोइंग टू बी द वेरियस पोजीशंस ऑफ क्रैंक ओ बी. यूजिंग द कंपास इट इज इजी टू फाइंड द और सेग्रीगेट द सर्कल इन 12 डिफरेंट पार्ट्स. सो यू विल बी एबल टू सी इट ओवर हियर. Now I have to consider certain positions. I'll consider it as B0. This is going to be B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, and the start position is same as the end position B12. अब मैं इन सारे positions को connect कर लेता हूँ. So from O I am connecting B1. B0 is already mentioned. अब मैं सिर्फ orientation positions दिखा रहा हूँ. Now this is going to be the first position. अब सोचिए if I am drafting a line and if this one is OB0, then the 100 mm of BA is going to be available over here somewhere, being 100 mm away from the position of B. तो ये जो है वो मुझे मिलेगा position A0, first position of connecting rod. और हमें find करना है इसका mid point. तो मैं यहाँ पे B0 और A0 और B12 and A12 को join करके 5 cm 50 mm पे एक position M0 indicate कर लेता हूँ. तो ये रहा हमारा स्लाइडर का एक पोजीशन. नाउ अदर पोजीशंस कैसे रहने वाले हैं. तो आई विल बी इंडिकेटिंग द डायमेंशन ऑफ बी एंड ए विच इज 100 mm 10 cm. B1 पे चला जाऊंगा और B1 से इसी पोजीशन के लाइन पे आर्क लगाता हूँ. So the arc position is going to be the position of A1. वैसे ही अगर B11 से मैं arc लगाता हूँ it is going to be same, so it is going to be A11. और इसे connect कर लेते हैं. B1 को A1 से connect किया. और उसका mid point identify करके उसे नाम दे दिया M1. You have to follow same for the other positions. बाकी सारे position के लिए I have joined the B, O2 and B. I am already having dimension on compass. ये हो गया A2. B2 और A2 को join करना है और उसका जो mid point बन रहा है उस mid point पर जाके M2 indicate करना है. वैसे ही यू नीड टू गो फॉर B3. ये रहेगा A3. B3 और A3 को कनेक्ट करिए. उसका मिड पॉइंट है उसे नाम दे दीजिए M3. वैसे ही B4 पे चले जाइए. आई कनेक्ट
क्रैंक पोजीशंस, सो दैट इट इज़ इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये सारे क्रैंक पोजीशन को ज्वाइन करके रखिए, जब भी आप स्टार्ट करते हो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन इट। आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट पोजिशंस, इसलिए मैंने एक साथ कनेक्ट नहीं किया, पर आप कनेक्ट कर सकते हो। आई गो फॉर बी फोर, बी फोर से लाइन बनाइए, मैंशन इट एज ए फोर, नाउ ज्वाइन इट। पोजिशन को ज्वाइन कर लिया एंड मैंशन दी एम फोर पोजिशन फॉर हियर। नाउ गो ऑन हैविंग बी फाइव, पोजिशन मिलेगा आपको ए फाइव। बी फाइव ए फाइव को कनेक्ट करेंगे, बी पॉइंट जो है उसे नाम दे देंगे एम फाइव। वैसे ही बी सिक्स से हमें यहाँ कहीं ओरिएंटेशन मिलने वाला है, आई एम मेंशनिंग इट एज एम सिक्स। और ये रहा हमारा ए सिक्स। इन सिमिलर मैनर यू शुड गो फॉर बी सेवन, बी सेवन देन बी एट देन बी नाइन बी टेन बी एलेवन एंड बी ट्वेल्व। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ए ट्वेल्व, ये रहेगा हमारा ए इलेवन, इट इज़ ऑलरेडी देयर, ए टेन ए नाइन ए एट ए सेवन एंड ए सिक्स। इन सबको भी ज्वाइन कर लेना है एक साथ और फिर उनके डेटास को प्रेजेंट करना है। हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, आई विल बी मेंशनिंग एम ओवर हियर। बी एट ए एट को ज्वाइन करेंगे, उसका भी मिड पॉइंट इंडिकेट कर लेंगे। बी नाइन ए नाइन को ज्वाइन करेंगे, उसका भी मिड पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेंगे। बी टेन ए टेन को ज्वाइन करेंगे, उसका मिड पॉइंट इंडिकेट कर लेंगे। बी एलेवन ए एलेवन को ज्वाइन करेंगे, उसका मिड पॉइंट इंडिकेट करेंगे यहाँ पे। आई होप यू आर एबल टू सी इट। और वैसे ही ट्वेल्व के लिए हमें पोजीशन मिल जाता है। सो व्हेन वी नीड टू ड्राफ्ट द लोकस वी हैव टू फॉलो द एम पोजीशंस, एम जीरो टू एम वन, एम वन टू एम टू, एम टू टू एम थ्री, एम थ्री टू एम फोर, एम फोर टू एम फाइव, एम फाइव टू एम सिक्स, एम सेवन, एम एट, एम नाइन एंड एम ट्वेल्व। आई होप यू आर एबल टू सी इट। तो ये रहेगा हमारा लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड विच इज ए बी, और यू कैन राइट इट इज लोकस ऑफ एम। एंड वॉट इज गोइंग टू बी द लोकस ऑफ ए पोजिशंस, तो अपना स्लाइडर जो है वो यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है, यहाँ तक पहुँचता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द लोकस, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट इन प्रॉपर वे सो यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो दिस स्ट्रेस डाउन इज गोइंग टू बी लोकस ऑफ स्लाइडर पोजिशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो टू लर्न मोर, फॉलो द चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।